मेरे साथ बोलिए भारत माता की। आज मोदी जी दिल्ली में है, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। आज भाजपा सरकार के 2 साल समाप्त हो रहे हैं। मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हिमाचल के ही सपूत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सांसद भाई जगत प्रकाश नड्डा जी, आज जिनके नेतृत्व में 2 साल समाप्त हुए हैं भाजपा सरकार के, ऐसे हिमाचल शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी, हम सबके वरिष्ठ नेता और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेम कुमार धूमल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद में मेरे साथी युवा नेता भाई अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान सतपाल सत्ती जी, हिमाचल के प्रभारी बिहार के मंत्री श्री मंगल पांडे जी, यहाँ के विधायक और मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल जी, श्री सांसद सुरेश कश्यप जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, और आज इस मौके पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हिमाचल के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज सबसे पहले मैं वीर भूमि देवभूमि हिमाचल की पवित्र भूमि को, पवित्र धरा को, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रणाम करकर, वंदन करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। इस भूमि को वीर भूमि इसलिए कहते हैं कि चाहे चीन के साथ लड़ाई हो, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना हो, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ना हो, भारत माता के लिए बलिदान देने वालों की सूची उठाकर देखते हैं तो जो सबसे बड़ी वीरता के साथ लड़ा वो मेरे हिमाचल का ही वासी होता। यहां के वीरों ने कई सालों से, कई युगों से मां भारती के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का परंपरा स्थापित किया और पूरे देश के नक्शे पर ये वीर भूमि एकमात्र अपने आप में ऐसी भूमि है जहां 4-4 परमवीर चक्र मिलने का सम्मान है। देश का सबसे पहला परमवीर चक्र अगर किसी राज्य के खाते में गया, सम्मान गया, तो मेजर सोमनाथ शर्मा के रूप में ये हिमाचल वासियों के खाते में गया, हिमाचल का गौरव बना। लेफ्टिनेंट कर्नल ध्यान सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा मरण उपरांत, और राइफलमैन संजय कुमार जो आज भी हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं,
जीवित परमवीर चक्र पाने वाले बहुत कम योद्धाओं में से वो चार चार परमवीर चक्र इस वीर भूमि के खाते में गए हैं। और इसलिए मैं ये वीर भूमि को और विशेष करकर ये वीर भूमि की माताओं को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर सरकार के 2 साल की पूर्ति के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है जब जनता जनादेश देती है हम इसका हिसाब किताब लेखा जोखा लेकर जनता के सामने जाते हैं। और मैं मानता हूं कि यह बात भारतीय जनता पार्टी को सभी राजनीतिक दलों से अलग करती, कोई और राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है कि काम का हिसाब लेकर हर साल जनता के सामने जाए। और हमें झिझक नहीं है क्योंकि भाजपा वाले काम करने के लिए ही सत्ता में आते हैं, सत्ता का उपभोग करने के लिए नहीं आते। ढेर सारी बातें हुई है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर 2-3 चीजें भाई जयराम ठाकुर की सरकार की उपलब्धियों के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूं। आज हिमाचल के अंदर अभी 3 बहनों को, माताओं को यहां से गैस वितरण किया गया, गैस की किट दी गई। उसके बाद हिमाचल में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां लकड़ियां कंडे और जलाकर टहनियां जलाकर खाना बनाना पड़ेगा। समस्त हिमाचल के अंदर गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम आज समाप्त हो रहा है। और मैं मानता हूं मोदी जी ने बहुत सोच समझकर अपने बचपन के दिनों की गरीबी को याद करते हुए ये योजना बनाई थी कि गरीब माता को कितनी तकलीफ होती, छोटा सा घर धुएं से भर जाता है और ये धुआं सबसे ज्यादा खाना पकाने वाली माता को सहन करना पड़ता है। कोई बुरी आदत न होते हुए भी 400-400 सिगरेट जितना धुआं उसके फेफड़े में चले जाता है और कम आयु में फाइब्रोसिस होकर वो बीमार हो जाती, आंख की ज्योति चली जाती। और एक करोड़ों माताओं को धुएं के इस संताप से मुक्त करने के लिए मोदी जी उज्ज्वला योजना लेकर आए थे। और आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि श्री जयराम ठाकुर ने उज्ज्वला योजना को एक्सटेंड करते हुए न केवल गरीब घरों में, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर और बोतल पहुंचाने का काम, चूल्हा पहुंचाने का काम आज समाप्त कर दिया है। और मित्रों, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और अभी अभी बात हुई मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना की, और आयुष्मान भारत योजना नड्डा साहब यहां बैठे हैं, मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, इन्होंने जितना पेन लेकर जितने लोगों को कंसल्ट करते करते एक संपूर्ण योजना बनाई, आज देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए वो योजना आशीर्वाद हुई। हर राज्य के अंदर हर गरीब को आयुष्मान योजना मिली, मगर हिमाचल वालों को तो और फायदा मिला। जयराम ठाकुर जी ने हिम केयर योजना और आयुष्मान भारत योजना का कॉम्बो बनाकर एक एक हिमाचल वासी को कवर करने का काम किया है और आगे बढ़ाने का काम किया है। ये बीमारी भाइयों बहनों जब गरीब के घर में आती है तरसीब बीमारी से गरीब की जान नहीं जाती, इसके पीछे जो खर्च होता है वो आने वाली एक पीढ़ी को वो ऋण बर्बाद कर देता है। कई बार तो बाप ही बेटे को कहता है, बेटा घर ले चल, मैं तो रोग से मरूंगा, ये बीमारी से मरूंगा,
मगर मेरे पीछे जो ऋण हो जाएगा इससे तेरा परिवार ऋण के बोझ के तले दबकर मर जाएगा। और आंख में आंसू के साथ वो बेटा गरीब बाप को मरता हुआ देखते हुए घर लेकर आता था। आज इस योजनाओं से 5 लाख तक का सभी खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार और जयराम ठाकुर सरकार दे रही है। इससे बहुत बड़ा फायदा आज हिमालय के लोगों को होने वाला है। अभी अभी 2019 में चुनाव हुआ, मैं हिमाचल के हर मतदाता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने चारों चार सीटें मोदी जी की जोड़ी में डाली। देश भर से 300 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और मित्रों, मोदी जी पहली बार भी प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी की काम करने का तरीका ऐसा है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ वो ही कर सकते हैं। कई सालों से पहली टर्म में जब प्रधानमंत्री बने, कई सालों से इस देश का सेना का जवान वन रैंक वन पेंशन को मांगता था, मगर कांग्रेस वाले 40-40 सालों से वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी नहीं करते थे। मोदी जी ने एक ही साल में वन रैंक वन पेंशन की मांग को समाप्त कर अब तक 35,000 करोड़ रुपया मेरे सेना के रिटायर्ड जवानों के घर में ज्यादा भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। देश की सुरक्षा का मामला हो, कांग्रेस की सरकार 10 साल चली, सोनिया मनमोहन जी की सरकार चली, पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऊप नहीं निकलता था, सीमाओं को खुला छोड़ा हुआ था। मोदी जी की सरकार बनी, पाकिस्तान को लगा कि ऐसे ही चलेगा, मगर उनको मालूम नहीं था एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने गलती कर दी, उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, मगर इस नरेंद्र मोदी सरकार ने, इस भाजपा सरकार ने 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया। और उसके बाद समग्र दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला। समग्र दुनिया के अंदर कुछ गिने चुने इक्का दिक्का देश अपने सीमाओं के अतिक्रमण का जवाब दे पाते थे, आज वो दो देश जो अमेरिका और इजराइल की एक सूची थी उसमें तीसरा नाम मेरे और आपके महान भारत का जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी नड्डा जी ने बताया, हम सब बचपन से नारा लगाते थे कि एक देश के अंदर दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे, मगर कुछ नहीं होता था। मैं भी 13 साल का था तब से नारा लगाता था, 55 का हो गया, कुछ नहीं हुआ। आपने 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया। आज हमारा कश्मीर भारत माता के मुकुटमणि के नाम तरह सुशोभित हो रहा है।
और ऐसा ही तिरंगा कश्मीर के अंदर आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ आज फहरा रहा है, पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है। मित्रों, राम जन्मभूमि के लिए भी कांग्रेस की सरकार ने बहुत टाल मटोल की। जब भी केस आता था कांग्रेस के नेता जाकर बताते थे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता था उनके पेट में दर्द क्या था। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि वही भूमि पर जहां प्रभु श्री राम जन्मे थे आसमान को छूने वाला राम मंदिर बनने वाला है। मित्रों, देश का विभाजन हुआ उस वक्त ढेर सारे लोग दोनों देशों में रहे। यहां बहुत सारे मुसलमान भाई रहे, वहां बहुत सारे हिंदू सिख बौद्ध जैन ईसाई रहे। दो देशों के प्रधानमंत्री के बीच में एक समझौता हुआ 1950 में, नेहरू लियाकत समझौता हुआ, और यह तय हुआ कि दोनों देश अपने अपने यहां अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। भारत ने इस समझौते का विश्वास के साथ निर्वहन किया, करना भी चाहिए। इस देश के अंदर माइनॉरिटी का हर व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहिए, महफूज रहना चाहिए, इसकी रक्षा करने की हमारा संवैधानिक दायित्व है। मगर पाकिस्तान में नहीं हुआ, बांग्लादेश में नहीं हुआ। 30% 23% की आबादी घटकर 3% और 7% हो गई। धर्म के आधार पर प्रताड़ना होने लगी। लाखों लाखों लोग यहां आए, लाखों करोड़ों लोग जो यहां आए वो चाहते थे कि आपका वादा था, भारत ने वादा किया था, महात्मा गांधी जी ने वादा किया था, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने वादा किया था, राजेंद्र बाबू ने वादा किया था, संविधान ने वादा किया था, हमें नागरिक बनाइए, हम नरक की जिंदगी जी रहे। लाखों करोड़ों लोग, इनके पास तो नागरिकता थी ना घर था, ना नौकरी थी, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं, ना शिक्षा थी, कोई उनकी सूद नहीं लेता था। और नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत कर लाखों करोड़ों शरणार्थी जो आए थे उनको नागरिकता देने की पहल की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए और वो आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं और विशेषकर माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, ये बिल अब बन चुका है, एक्ट भारत सरकार की वेबसाइट पर है। ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी अफवाह फैला रही है कि इससे माइनॉरिटी की मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। मैं आज इस देश के सभी नागरिकों को कहने चाहता हूं, इस देश ये बिल के अंदर, ये एक्ट के अंदर कहीं पर भी किसी की भी माइनॉरिटी की भी नागरिकता छीनने का प्रावधान ही नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटी वाले भाई आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है, देने का प्रावधान। कृपया आप अपप्रचार मत करिए, देश की शांति को मत तोड़िए, लोगों को गुमराह मत करिए। या तो आपके पास तथ्य है तो जनता के सामने लेकर आइए कि कौन से प्रावधान के अंदर प्रोविजन है। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी ने बड़े हिम्मत के साथ एक के बाद एक के बाद एक फैसले किए हैं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा काम आजादी के कई सालों बाद
लगभग लगभग 70 के दशक से भारत भ्रष्टाचार की बात सुनता आया था, और ये 10 साल की कांग्रेस की जो सरकार बनी मनमोहन सिंह की, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, भ्रष्टाचार जैसे आम शब्द हो गया, वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। 6 साल हो गए, हमारे दुश्मन भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। ढेर सारे नए कानून, नए निर्णय करके देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया, और हम आने वाले दिनों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसका रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने प्रशस्त किया। बहुत सालों से $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर हम स्थगित थे, एक ही 5 साल के अंदर $1 ट्रिलियन को बढ़ाने का काम किया, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगली बार जब हम जनता का आशीर्वाद लेने मोदी जी के नेतृत्व में आएंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर आएंगे मित्रों। और हिमाचल के लिए भी यही लक्ष्य रखा है। पहली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई जयराम ठाकुर के नेतृत्व में, मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री आशीर्वाद देने आए, उन्होंने सभी उद्योगपतियों को कहा ये हिमाचल तो मेरा अपना है, बेखौफ होकर इन्वेस्टमेंट करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मित्रों 85,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए, और ये 85,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए, मैंने देखा था स्टेटमेंट कांग्रेस के नेताओं का कि ये तो कागजी कार्यवाही है, कागजी कार्यवाही है। अभी 3 महीने भी नहीं हुए, कितने महीने हुए जराम भाई? 2 महीने ही समाप्त हुए, कुछ दिन हुए हैं, 85,000 करोड़ में से 13,000 करोड़ रुपए का आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज अभी दोपहर को होने जा रहा है। 13,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर 2 महीने से कम समय के अंदर उतारना ये बहुत कठिन चीज है। मैंने भी राज्य सरकारों का हिस्सा रहा हूं, इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से भाई जयराम ठाकुर को बधाई देना चाहता हूं कि आपने हिमाचल के विकास के लिए नए आयाम जोड़े, ढेर सारी नई योजनाएं चालू करी। इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मगर उन्होंने जो जनमंच कार्यक्रम किया है इसका जरूर मैं साधुवाद देना चाहता हूं। 42,000 से ज्यादा जन शिकायतें प्राप्त हुई 18 कार्यक्रमों में, और इसकी 88% शिकायतों का निपटारा जनमंच के माध्यम से कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आपके आशीर्वाद से बनी, वो लोगों के साथ संवाद करने वाली सरकार है, लोगों को सुनने वाली सरकार है। और मित्रों मैं मानता हूं कि चाहे हिम केयर योजना हो, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, या हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना हो, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हो, या बागवानी की आय 2 गुना करने का लक्ष्य हो, हर क्षेत्र के अंदर ये हिमाचल सरकार आगे बढ़ रही है। और हिमाचल वालों को तो मैं कहना चाहता हूं, ढेर सारे राज्यों को ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि आपका तो ऐसा है भाई के नैनीताल में खाने जाए और मां परोसने बैठ जाए। मोदी जी का विशेष लगाव रहा है हिमाचल के लिए, और इसलिए मोदी जी पहली टर्म में जब प्रधानमंत्री बने, तुरंत ही उत्तर पूर्व के क्षेत्रों की तर्ज पर जो कांग्रेस पार्टी ने 60-40 का अनुपात कर दिया था, मोदी जी ने फिर से हिमाचल के विकास के लिए केंद्र का अंशदान 7% से बढ़ाकर 90% कर बहुत बड़ी गिफ्ट, बहुत बड़ी सौगात हिमाचल के भाइयों बहनों को दी। रोहतांग टनल, इसको अटल जी के नाम से कर आगे बढ़ाया गया, और कभी कोई नहीं सोचता था कि टनल समाप्त हो जाएगी।
21 जनवरी को नड्डा जी यहां बैठे हैं, बड़ी पसोपस में थे, वो स्वयं मंत्री थे और हिमाचल के लिए आग्रह से कहना थोड़ा संकोच भी होता है कि मेरे राज्य के लिए बात करता हूं, मगर वो गए मोदी जी के लिए और कहा कि साहब मेरा राज्य छोटा तो है मगर पहाड़ी राज्य है, दिक्कतें स्वास्थ्य की बहुत है, एक एम्स यहाँ पर हो जाए तो बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। और मोदी जी ने तुरंत कहा झिझक के मत एम्स ले जाइए और 2019 में इसका भूमि पूजन भी हो जाए। एनडीआरएफ बटालियन कई बार भूस्खलन होते हैं, कई कुदरती आपदाएं आती हैं, इसके लिए एक केंद्र द्वारा एनडीआरएफ बटालियन भी स्वीकृत कर लोगों की जान बचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। 9500 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट लिए और नेशनल हाईवे के लिए तो मैं मानता हूं हिमाचल ने मोदी जी को हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा। कोई राज्य के अंदर 69 नेशनल हाईवे नहीं दिए गए, यहां पर लगभग 70-69 नेशनल हाईवे दिए, जिसमें से 58 का डीपीआर जयराम ठाकुर जी ने समाप्त कर दिया है, समाप्त कर दिया। वीरभद्र जी की सरकार थी, 2.5 साल हो गए, एक भी रोड का डीपीआर नहीं दे पाए थे, हमने 2 साल में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 58 डीपीआर देने का काम कर दिया है। 4-लेन रोड परवाणु शिमला, धर्मशाला शिमला, कीरतपुर मंडी मनाली, ये भी दिए गए। IIM दिया गया सिरमौर के धोला कुआं में, मेडिकल कॉलेज जैसे नड्डा जी ने कहा 3 दिए गए। 15,000 करोड़ की रेलवे की 4 बड़ी योजनाएं दी गई, उड़ान का पैकेज दिया गया और PGI सैटेलाइट सेंटर दिया गया और मंडी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लाने का भी कार्यवाही अभी चल रही है। ये ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल के लिए मंजूर किए और जयराम जी ने द्रुत गति से इस पर काम करवाने का काम किया। मित्रों, ऊपर नरेंद्र भाई और नीचे जयराम ठाकुर जी, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हिमाचल के लिए मणिकंचन का योग है, मणिकंचन का योग। मणिकंचन योग बहुत रेयरली होता है। और मित्रों, ORFOP किया, सियाचिन बत्ता लगभग दूना कर दिया, पुनर्वसन के लिए ढेर सारे काम, जितने लोगों को 60 साल में पुनर्वसन किया गया था इससे ज्यादा लोगों को, रिटायर्ड फौजियों को रोजगारी देने का काम हमने 5 साल के अंदर किया है। मित्रों, मुद्रा बैंक योजना के तहत 2,60,000 जवानों को लोन देने का काम किया, जो लगभग 4,000 करोड़ की होती है। लगभग 11,00,000 खाते जनधन योजना के खुले। सौभाग्य योजना के तहत लगभग 13,000 लोगों को बिजली देने का काम किया। 82,50,000 LED बल्ब दिए गए। 1,13,000 बहनों को गैस का सिलेंडर दिया गया। 6,500 गरीबों को घर देने का काम भारत सरकार ने किया और लगभग 1,75,000 शौचालय बनाकर हर घर में माताओं और बहनों को शर्म से मुक्त कर शौचालय देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। लगभग 226 से ज्यादा पंचायतों को भारत नेट से जुड़ा, मुद्रा स्वास्थ्य का दिया, जन औषधि योजना के 56 केंद्र खुले गए। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है इस सब चीजों पर को एक 5 साल में जमीन पर उतारा गया। कांग्रेस के जमाने में एक सरकार आती थी जो विचार करती थी, विचार करने में 5 साल चले जाते थे, दूसरी सरकार योजना बनाती थी, दूसरे 5 साल चले गए, तीसरी सरकार बजट देती थी, तीसरे 5 साल चले गए, चौथी सरकार भूमि पूजन करती थी, चौथे 5 साल चले गए
और पांचवी सरकार इसको भूल जाती थी, प्रोजेक्ट कभी खत्म नहीं होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने कार्य संस्कृति निर्मित की है, हमारी सरकार भूमि पूजन भी करती है और उद्घाटन करने का काम भी हमारी ही सरकार करती है। और इस कार्य संस्कृति से आज देवभूमि वीर भूमि ये छोटा सा राज्य विकास के पथ पर चल पड़ा है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास के पथ पर तो चला ही है, अपने सालों पुरानी सभी समस्याओं को समाप्त करने का काम भी मोदी जी ने किया है और देश को सुरक्षा प्रदान करने का काम और देश को दुनिया में गौरव दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज इतनी विशाल संख्या में रोड पर भी कई स्क्रीन लगाकर लोग खड़े हैं, इस सभी हिमाचल वासियों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते कि आपने प्रदेश में हमें सरकार चलाने का मौका दिया, भाई जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया और जब दोबारा हम आए चारों चार सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर मोदी जी के हाथ मजबूत किए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता मोदी जी और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भरोसा कर रही है, करती रहेगी, इसका मुझे विश्वास है। और मैं विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी और जयराम ठाकुर जी मिलकर हिमाचल को एक मॉडल स्टेट बनाकर बाकी